खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषण है। आज सुबह देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया है दिल्ली से सटे हरियाणा से, उस हरियाणा से जहां के किसान पराली जला रहे हैं, वहां का धुआं दिल्ली आ रहा है, दिल्ली की हवा को बर्बाद कर रहा है। AQI लेवल 802 के स्तर पर दर्ज किया गया है। हिसार में, फतेहाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 तक पहुंच चुका है। रवि कांत एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि कांत, वहां की पराली, हरियाणा की पराली, हरियाणा के लिए ही अब भारी पड़ रही है। देखिए, निश्चित रूप से हमने हरियाणा के विभिन्न जिलों का दौरा किया और वहां पर पाया कि पिछले एक महीने में पूरे अक्टूबर भर पराली जलाई जाती रही और पिछले दिनों ये पराली पिछले दो हफ्ते में काफी ज्यादा जगहों पर जलाई जा रही थी। करनाल की स्थिति ये थी कि वहां पर जो हमने मैप देखा, मैप में सबसे ज्यादा जो डेंस था वो करनाल में था। उसके बाद अन्य जगहों पर भी ये बढ़ता रहा। हमने किसानों से भी जाकर के बात किया। किसानों का कहना है कि सरकार और किसान के बीच में किसी भी तरीके का कोई बातचीत नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं निकाला जा रहा है। सिर्फ एक बैन लगा दिया गया और पूरी तरीके से किसानों को फ्री हैंड छोड़ दिया गया है। सिर्फ एक खानापूर्ति की गई है सरकार की ओर से, क्योंकि किसानों को पराली जलाने के अलावा जो दूसरे उपाय हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार अगर हमसे बात करे, कोई उपाय निकाले, तो बीच का रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल, किसान की मजबूरी सरकार समझ नहीं रही। नतीजा पराली जलाने का हुआ और उसकी वजह से प्रदूषण न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हरियाणा में आज सुबह देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया। हिसार में 800 के पार तक AQI का लेवल चला गया।